यार लेकिन पहनी टी शर्ट है आपने यार, और तैयारी मतलब ठंड हुई आगे बर्फ पड़ी, फिर वो देखेंगे स्वेटर डालिए पीछे दिखी में। आप देख रहे आज मौसम पूरा ही खराब है, बादल ही बादल, और हमें लग रहा है कि आज लाहौल में मतलब हल्की फुल्की बर्फ तो मिल ही जाएगी देखने को, ठंड है बाहर। तो दोस्तों बनी रही, आपको और हम व्यू दिखाएंगे आगे, और बढ़िया से बढ़िया पहुंच गए सोलंग नाला। इस साइड पड़ता है हमारा अंजनी महादेव, उस साइड अगली बार आएंगे तो आपको अंजनी महादेव के दर्शन भी कराएंगे ले जाते हुए। और ये है आपका सोलंग वैली, आपको दिखाएंगे सोलंग वैली का प्रॉपर जो एक्टिविटी ग्राउंड है जहाँ पे एक्टिविटीज होती है। ये सोलंग वैली का पार्किंग एरिया जो भी आता है, यही मैक्सिमम पार्किंग का पॉइंट्स है। अगर आप जब भी आए तो सोलंग वैली में एक्टिविटीज जरूर करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुन लिया होगा, हमारे लखन ने बता ही दिया आपको, ये जो आपको सामने ग्राउंड दिख रहा है विंटर में पूरा ग्राउंड पैक होता है और यहाँ पे एक्टिविटीज होती है आपकी, और पैराग्लाइडिंग वगैरह भी सब आपकी वहीं से होती है। और लैंडिंग पॉइंट है सोलंग वैली का, ये जो ग्राउंड दिख रहा है आपको, और ये रोप वे यहाँ से ऊपर ले जाते हैं रोप वे के लिए। तो ये है सोलंग वैली का कुछ नज़ारा, और यहाँ से अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लाहौल के लिए। एग्जैक्ट अब कुछ किलोमीटर में, कुछ किलोमीटर क्या, कुछ टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे अटल टनल। ये गांव पर आप देख सकते होंगे। जाम से फंसने के बाद हम निकल गए अटल टनल की, और यहाँ पे हमें कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा इस पॉइंट में। और दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट में अभी तक यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। देखो हमारे हीरो, क्या ठंड कितनी है, क्या बोलती है अब? लगी ठंड की लगी बहुत। तो बस दोस्तों शुरुआत ये पैक होने की, अब धीरे देखते हैं जो भी तो स्वेटर पहना हुआ है अभी सब दिखता जाएगा आपको धीरे धीरे। अब दोस्तों बर्फ चेक करो यार, अब हमें बर्फ दिखने भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो आप बर्फ के ढेर लगे हुए हैं। वो आ रहा है, शाका नहीं मानता, शाका बोलता है दो। तो दोस्तों ये था मेन कारण यहाँ पे जाम लगने का, यहाँ पे 20 से रोड ही गायब हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रोड गायब हो गए बीच का, इसलिए यहाँ पे जाम लग रहा था। पुलिस वाले अपनी मुश्तैदी से ड्यूटी निभाते हुए इस ठंड में बर्फीली हवाओं के बीच में, सैल्यूट है पुलिस वालों को। चेकआउट कर सकते हैं व्यू, बर्फ ही बर्फ है और सारी फ्रेश स्नोफॉल दिख रही है जो पड़ी हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं अप्रैल का मौसम चल रहा है और मई आने वाला है, और यहाँ बर्फ पड़ रही है। अभी आपको बर्फ यहाँ से क्लियर नहीं दिख रही होगी, बट जैसे ही आगे दिखता है प्रॉपर हल्का हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। ये देखो आप शीशे में, आपको अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये बर्फ पड़ रही है, ये जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं बर्फ पड़ रही है यहाँ पे, और बर्फ की स्पीड बहुत ही तेज हो गई है। जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे थे आपको, जैसे कि मैंने कहा बर्फ हम दिख सकती है और जब बर्फ पड़ना स्टार्ट हुई है। ये देखो गाइस,
फ्रेश स्नोफॉल पड़ी हुई है यहाँ पे। में पहुंचने वाले हैं अटल टनल की ओर, और आप देखो अटल टनल की पहले यहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ चुकी है यार। लेकिन बाकी जो भी हम फंसना चाहें यार वापसी में, यार हम लोग आ तो गए हैं मौके में, बस थोड़ी सोच रहा हूँ। आप बर्फ देख ही सकते होंगे, बोनट में आप बर्फ देखो कितनी बार बर्फ इकट्ठी हो रही है, और टूरिस्ट देखो किस तरह यहाँ पे झूमते हुए बर्फ का पूरा एंजॉय लेते हुए। आप इनकी खुशी का ठिकाना आप देख ही सकते हैं कि अप्रैल के मौसम है, जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि अप्रैल एंड में और मई स्टार्ट होने वाला है, और कहाँ मई में इस टाइम माइनस अपना 30-40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और यहाँ बर्फ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग भी आइए, बर्फ का एंजॉय लीजिए अटल टनल में, और इस टाइम आपको बर्फ देखने को मिली रही है, और ये अटल टनल की हम एंट्री में इस टाइम स्टार्टिंग हो चुकी है अटल टनल की। और सामने आप देख सकते हैं पूरा लाहौल का एरिया पहाड़ बर्फ से पैक, और यहाँ बर्फ मेरी वजह से बंद हो गई है, यहाँ बारिश लगी हुई है। दोस्तों आप व्यू चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा एरिया बर्फ से कवर हो चुका है। टनल के उस पार बर्फबारी बहुत तेज लगी हुई थी, पर यहाँ बारिश हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया इस टाइम बर्फ से पैक है। ये वाला रास्ता क्या है आपका कुकसर स्पीति के लिए, काजा वगैरह के लिए, और ये जाता है हमारा लाहौल के लिए। आप इस टाइम टूरिस्टों के चेहरे में मुस्कान देख सकते हैं, कैसे बर्फ देख के सारे। और हमने प्रस्थान कर दिया अब लाहौल की ओर। ये जो नदी आ रही है यहाँ पे, ये आपकी आ रही है चंद्रा नदी। ये आपकी चंद्रताल झील से निकलती है जो कि काजा स्पीति में पड़ता है, और आगे जाके मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पे जगह का नाम आता है तांडी, वहाँ पे संगम होता है दो नदियों का, वो नदी आपकी बनती है सही चंद्रभागा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाइम बर्फ कितनी तेज हो गई है। आज हमने सोचा नहीं था कि हमारा पहला व्लॉग ऐसा निकलेगा, हम प्रेडिक्शन ही कर रहे थे खाली ये मौसम चाहे बर्फ दिख जाए हमारे को, पर यहाँ बर्फ ही ताबड़तोड़ बर्फबारी हो रही है। लगन हाउस एक्सपीरियंस लगन बहुत ही मजेदार है, सोचा था बर्फ पड़ेगी, मैंने तो सोचा ही भाई हम इतना अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं व्यू चारों ओर इस टाइम बर्फ ही बर्फ पूरा मतलब हर जगह, और देखो लाइव स्नोफॉल हो रही है ये देखो। Thank you.
बड़ी हिम्मत करके बाहर निकलना पड़ रहा है इस टाइम। -6 डिग्री टेम्परेचर हो गया है इस टाइम। ये आप देखो चेनाब नदी के नजारे। दोस्तों आगे पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए और एकदम से गाड़ी सारी वापस रिवर्स हो रही है। पीछे करो भाई। हमें लग रहा है आगे जाना है, देना शायद उन्होंने रोक दिया है गाड़ियों को। कोई यहाँ पे स्लाइडिंग पॉइंट हुआ हुआ है और ये वाला पॉइंट है, यहाँ पत्थर गिर रहा है मौके में ऊपर। पुलिस वाले मुस्तैदी से डटे हुए हैं इस बर्फबारी में। इनके सही में डेडिकेशन को सैल्यूट है कि दिन रात 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए लोग लगे हुए हैं। यहाँ देखो डिपार्टमेंट के बंदे अपनी जान को थैली में रखते हुए प्रॉपर ड्यूटी देते हुए। अभी गाड़ी क्रॉस तो कर दी है इन्होंने। और बहुत ही रिस्की पॉइंट हो चुका है वाला। एक गाड़ी निकल तो गई है, देखते हैं अब शायद रोड खुली जाए। इस सारा इस बार जो बरसात आई थी, फ्लड आया था, उसमें सारे के सारे रोड डैमेज हो गए हैं टोटली। अदरवाइज ये रोड बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। मतलब हमारे साथ टू व्हीलर आते हुए बहुत ही मतलब मुश्तैदी से टू व्हीलर अपना निकालते हुए। एक तो बर्फबारी हो रही है, ऊपर से ऐसा रोड, इनके लिए से ज़्यादा एडवेंचर कुछ नहीं हो सकता है। इन कंडीशन में लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ओनली जो वन वे किया हुआ है तो उनको टू वे नहीं जाना चाहिए। अब बेचारे पुलिस वाले भी क्या करें, गाड़ी वाले नहीं मानते हैं मौके पे। अब देखो लोग बीच में कहाँ कहाँ गाड़ियाँ घुसा रहे हैं जहाँ की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पे जाम नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा। जिस तरह की कंडीशन बन गई है बाहर, अब मेरे को लग रहा है आगे जाना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी गाड़ी जा रही है इनको तो आगे मेरे को लगता है स्टे वगैरह होगा और हमारे को वापस आना था। और क्योंकि जिस हिसाब से आगे स्लाइडिंग हो रही है, एक बार अगर हमने आगे क्रॉस कर दिया फिर हमारा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है मौसम का, स्लाइड हो गया तो हम यहीं पे फंसे रहेंगे। तो फिर हमने सोचा कि यहीं से गाड़ी वापस मोड़ ली जाए, उसी में भलाई है। बाकी जो रही बात घूमने की है वो बाकी चीज़ें अगली बार। तो फिर फिलहाल के लिए हम अलविदा कहते हैं लाहौल को, और लाहौल को हम अगली बार फिर से मिलेंगे जल्द, किसी अच्छे टाइम पर आएंगे। हम बर्फ की उम्मीद तो कर रहे थे पर इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारा रास्ता ही बंद हो जाए। लेकिन और तो देखनी बर्फ। अब नहीं देखनी बर्फ, बहुत हो गया कोटा होगा। दोस्तों इस टाइम हम वापस आ चुके हैं उस पॉइंट से जहाँ पे स्लाइडिंग हो रही थी, और इस टाइम अटल टनल के हम नॉर्थ पोर्टल में पहुँच गए हैं। और ये हमारी चेनाब नदी, और जैसे कि हम लोग आपको कह रहे थे कि आगे स्लाइड हो रही है मौके में तो आगे जाना रिस्की है, और वही बात हुई और पुलिस ने यहाँ पे बंद कर दिया है पॉइंट, क्यों आगे स्लाइडिंग हो रही है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की था और हमारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी रही, वरना हम लोग भी वहीं उसी पॉइंट में फंस जाना था हम लोगों ने। तो ये आप देखिए यहाँ का इस टाइम फिलहाल यहाँ का सीनरी, आप इंजॉय कीजिए। ये जो पॉइंट हम आपको बता रहे थे कोक्सर वाला पॉइंट है, थोड़ा हम यहाँ पे आगे जाके आते हैं, देख के आते हैं, क्योंकि गाड़ी के एक्सेस पूरा बंद हो गया बाकी जगहों के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा यहाँ वॉकिंग चला जाए। लेकिन भी कैसा रहा हमारा डिसीजन, अच्छा किया हम लोगों ने? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब हम यहाँ पे घूमेंगे थोड़ी देर। और हमारा लखन मान नहीं रहा था, वो कह रहा था कि आगे तांदी जाके आते हैं, मैं उसको मना कर रहा था कि लखन आगे रिस्की होगा। जोक से पार्ट, वैसे दोस्तों सोचने वाली बात है कि अप्रैल के मौसम में बर्फ पड़ना, मतलब पड़ती थी यहाँ पे बर्फ वो नो डाउट, बट इस टाइम अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब जिस तरह हर जगह इतनी गर्मी हो गई थी, सोचा नहीं था कि बर्फ पड़ जाएगी फिर से। और यहाँ बर्फ पड़ने का मतलब है नीचे मनाली कुल्लू में फिर से ठंड वापस आना।
कुल्लू से नीचे जैसे आप जाएंगे आपको गर्मी ही गर्मी मिलेगी। ये तो है, ये देखो दोस्तों ये एक्टिविटी पॉइंट बनाया हुआ था पर आज सब क्लोज किया हुआ है। आपको कहीं पे मतलब यहाँ पे कई कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे चले जाएंगे जिसमें से वो वहाँ पे देखा तो ये जरूरी है ना यार। तो आपको हर जगह भी मिलेगा। जाइए भैया जाइए 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 जाइए। अब मेरे को लग रहा है यहाँ बस भी स्टार्ट हो गई है स्पेशल स्नो पॉइंट के लिए HRTC द्वारा इलेक्ट्रिक बस है। तो मेरे को लग रहा है कोकसर तक जाती होगी बस मनाली से, जो कि एक अच्छा डिसीजन है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। टूरिस्ट के लिए बस स्टार्ट होना गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, हम बाय बाय करते हैं इसी ब्लॉग को। कोशिश करते हैं आपको हमारा पहला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि हम और ब्लॉग बनाते रहें आगे। ठीक है, लेकिन फिर हम इसको करेंगे, नए ब्लॉग आपके लिए लाएंगे, अच्छे अच्छे नई नई जगह दिखाएंगे आपको, जो है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। उसी के साथ हम ब्लॉग क्लोज करते हैं, लेकिन ओके बाय 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 साथियों, मिलेंगे आपसे नई जगह नई मंजिल में।